Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Okay, Safi sahab, last question and then please keep sitting. I'll talk to you. Yes, sir. एक तो recently Senate की एक committee form की गई है जिन्होंने मंजूर पश्तून और मुस्लिम दावड़ और सब लोगों को बुलाया था. इसी तरह केपी गवर्नमेंट ने तमाम पार्लियामेंटेरियन से मुश्तमिल एक कमेटी बनाई थी उनके साथ इंगेजमेंट के लिए. तो आज आपने जो अनाउंस किया है तो उसके बाद क्या उनके साथ उस लेवल पे इंगेजमेंट ख़त्म हो जाएगी? और यानी एक डिक्लेयर वाले दूसरा कुछ ठीक है, ये बाकी चीज़ों में भी वजन होगा, लेकिन एक तासुर ये भी है कि स्टेट खुद जो इकदाम कर रही है उससे भी पीटीएम के नैरेटिव को तकवीत इसलिए मिल रही कि कुछ सवालों का जवाब नहीं मिल रहा. मसलन सैकड़ों लोगों का कातिल रावनवार वो क्यों आज़ाद कर रहा है? एसपी दावड़ कहाँ कैसे उसकी यहाँ से अफगानिस्तान पहुँचे? और जो कमेटी बनाई गई थी उसकी बराए नाम इन्वेस्टिगेशन भी वजीर दाखिला ने फ्लोर पर ऐलान किया था, आज तक रती भर फाइंडिंग सामने नहीं आई. इसी तरह लोनी का एफआईआर क्यों दर्ज नहीं होता? साफी साहब, लेट मी रिस्पॉन्ड टू दिस. आपको स्पेशल इन्विटेशन आज इसलिए दिया था कि आप सवाल पूछ सकें. देखें, पहले बात तो ये, कोई लाने जंग नहीं है, कोई लाने जंग नहीं है. उनसे चार पांच सवाल पूछें और वो तरीके के साथ उनसे बातचीत हो जाएगी, जवाब मिल जाएगा. आई वॉज द फर्स्ट वन टू एंगेज विद देम एंड दैट वॉज नॉट द ओनली टाइम आई एंगेज विद देम. आपको पता है सारी बातों का. इनसे एंगेज करना चाहती है हुकूमत, इनसे एंगेज करना चाहती है फोर्स, इनसे एंगेज करने चाहते हैं कमेटियां. ये बात बात के जर्मनी जाते हैं, ये अमेरिका जाते हैं, बलूचिस्तान जाते हैं. मसला तो फाटा केपी के अंदर है. इनको तो चाहिए कि अपना कैंप लगाएं, अपने हल्के में बैठ जाएं और कहें जी मैं यहां बैठा हूं, ये मसले हैं, ये यहां हल होने हैं, हुकूमत मेरे पास आए, फौज मेरे पास आए. आप देखें कौन नहीं जाता. हम तो उधर जाते हैं, काम भी उधर कर रहे हैं, ये कहीं और ही घूम रहे हैं. अगर इनका इंटरेस्ट लोकल मसले हैं तो वाई डोंट ये लोकल क्यों नहीं बैठते? इनका हल्का है, मैं गया हूं उस हल्के में और हामिद मीर साहब ने प्रोग्राम भी किया है. इनके हल्के के लोगों ने, फ्रिया भी थी, इनके हल्के के लोगों ने कहा जी हमने तो कभी देखा नहीं. लीडर तो वो होता है जो अपने लोगों का वहां बैठ के फैसला करे. मसले हैं ना, नारा कहां से आ गया? मसले हैं, फौज को लंबा डालेंगे, ये कहां से आ गया? कभी आपने उनको मशवरा दिया? ये कभी आपने उनसे ये पूछा है कि शुरू हुई तीन बातों से राउंड वार आउट ऑफ वे आ गया? मैंने कहा ना कि मैं बहुत लगा बंदा यहां खड़ा होता हूं. एक पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है कि जी पीटीएम बिल्कुल ठीक कर रही है, बचा तो राउंड फॉर उनका था. ऐसे नहीं होता. चीजों को जूम आउट करके देखें कि कैसे हो रही है. वट यू सी डिपेंड्स फ्रॉम वेयर यू आर सीइंग इट. मेरी जगह आके देखें ना कि मुझे क्या नजर आ रहा है. मैं तो आपकी जगह जाके देख रहा हूं. तीन मसले हैं, दस हो सकते हैं. जहां के मसले वही हल होने हैं ना. हल किसने करने हैं? हुकूमत ने. और इस वक्त तो आपकी जो हुकूमत है उसका स्ट्रक्चर चेक करें, 60% हुकूमत तो खुद हमारे पठान भाइयों के और डिसीजन पॉइंट्स पे बैठे हैं. और किसने ख्याल करना है? इनका मोदी ने आके ख्याल करना है. आप खड़े हो, आप प्राइम मिनिस्टर से कहें जी कि ये मैं यहां बैठा हूं, मुझे ये काम चाहिए, भेजें अपना मिनिस्टर, मैं उस वक्त तक यहां से नहीं हिलूंगा जब तक मेरा काम नहीं होता. आप चंदा इकट्ठा कर रहे हैं फौज के खिलाफ जलसे करने के लिए, पकड़े उनसे पैसे, आपके बड़े हैं, उनको दिए, आए इन पैसों से अगले साल नालियां बनाते हैं, कोई स्कूल बनाते हैं. ठीक है जी, तो करेंगे उनसे, कहें तमाम कमेटी में हर बंदे से एंगेज करें, लेकिन आइन और कानून की पाबंदी करें. आइन और कानून सिर्फ फौज के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं. थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर योर पेशेंट हियरिंग.